वेलकम टू हर्फ अ प्रोजेक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिजिक्स का एक इंतहाई बेसिक और मोशन से रिलेटेड टॉपिक है जो आपकी बेस एक क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हम इस टॉपिक को इस तरह से कवर करेंगे कि हम डिस्प्लेसमेंट से शुरू करेंगे और फिर हम वेलोसिटी एंड एट द एंड एक्सेलरेशन के टॉपिक्स कवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पॉइंट है एंड एक पॉइंट है। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान अगर कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना चाहें तो एग्जैक्टली वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन इस पॉइंट को मैं इस तरह से भी कवर कर सकता हूँ एंड इस तरह से भी कवर कर सकता हूँ। तो मेरे पास जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान वो है फॉर एग्जाम्पल 100 मीटर। लेकिन अगर ये आप डिस्टेंस नोट करेंगे तो ये 100 से ग्रेटर होगा, तो उसको डिस्प्लेसमेंट नहीं कहेंगे बल्कि जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। अब बात ले आते हैं वेलोसिटी पे। वेलोसिटी को अगर हम मैथमेटिकल टर्म में देखें तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि कितनी डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में कवर हो रही है। अगर मैं 1 मीटर का डिस्टेंस 1 सेकंड में कवर करता हूँ तो मेरी वेलोसिटी बनती है 1 मीटर पर सेकंड। यानी कि अब अगर एक व्हीकल है उसका थ्रू आउट जो उसकी वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकंड है, तो वो ये 100 मीटर का डिस्टेंस 100 सेकेंड्स में कवर करेगी। अगर आप ये देखें ये 100 सेकेंड्स है, 100 मीटर है, तो जो इसकी वेलोसिटी बनेगी वो 1 मीटर पर सेकेंड बनेगी। लेकिन अगर आप इस पॉइंट पे फॉर एग्जांपल 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी और ये थ्रू आउट कांस्टेंट नहीं रहती और आप एक्सेलरेट करते हैं, यानी कि मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि आपका जो पैडल है वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर है, यानी कि हर सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ रही है, तो अगले सेकंड यानी कि अगर टाइम इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है तो टाइम इक्वल्स टू 1 पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड होगी और टाइम इक्वल्स टू 2 पे वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड होगी। तो यही डिस्टेंस 100 मीटर का अगर आप एक्सलरेट कर रहे हैं तो 100 मीटर का यही डिस्टेंस आप 14.3 सेकेंड्स में कवर करेंगे, जबकि वेलोसिटी जब कांस्टेंट थी यानी कि 1 थी तो ये डिस्टेंस आप 100 सेकेंड्स में कवर कर रहे थे। फॉर एग्जांपल आपकी एक्सेलरेशन 0 थी, वी आपकी 1 थी, तो ये डिस्टेंस कवर हो रहा था 100 सेकेंड्स में। उसके बाद आपकी एक्सेलरेशन 1 हो गई, वी ने वेरी करना शुरू किया 1 से लेकर एंड पॉइंट तक 14.3 तक, यानी आपकी जो सॉरी वी ने जो जो उसका वी का जो भी हुआ जो इसका फाइनल वेलोसिटी जो भी होगी एक्सेलरेट कर करके उसका जो टाइम निकला वो 14.3 सेकेंड्स था। मतलब आपने सेम डिस्टेंस कम टाइम में कवर किया। 14.3 मैं एक अज्यूम वैल्यू ले रहा हूँ, यानी कि 100 सेकेंड से डायरेक्ट आप 14.3 सेकेंड पे आ गए। अब मैं इसको अगर एक ग्राफिकल टर्म्स में लिखूँ, फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस और ये टाइम का ग्राफ है, ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, और ये एक एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ है। ये 1 मीटर का डिस्टेंस, 2 का 3 का, ये 1 2 एंड 3 सेकेंड्स। 1 सेकेंड में 1 मीटर कवर हुआ, 2 सेकेंड में 2 मीटर कवर हुआ, 3 सेकेंड में 3 मीटर कवर हुआ। इससे इसका मतलब ये है जो इसकी इसकी मतलब हर मीटर में हर सेकेंड में आप 1 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, यानी कि वेलोसिटी आपकी आ गई 1 मीटर पर सेकेंड जो कि कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी के ग्राफ में अलोंग द टाइम स्ट्रेट लाइन आएगी, वेलोसिटी इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलेरेशन आपकी 0 आएगी। लेकिन अगर आपकी वेलोसिटी भी टाइम के साथ साथ बढ़ रही है, फॉर एग्जांपल ये 1 है, ये 2 है एंड ये 3 है, यहाँ 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड है, पहला पॉइंट ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया, एक स्ट्रेट लाइन बनी। अब ये स्ट्रेट लाइन ये शो कर रही है कि आपका ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है विथ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, यानी कि अब वेलोसिटी भी हर सेकेंड बढ़ रही है, वो कांस्टेंट नहीं रही लेकिन एक्सेलरेशन आपकी कांस्टेंट हो गई, वो हो गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। और जो आपका जो डिस्टेंस था वो आपका कि कर कुछ इस तरह हो जाएगी, सेकंड ऑर्डर में चली जाएगी। मतलब जो सेम डिस्टेंस आप 3 सेकंड में कवर कर रहे थे वही सेम सेकंड्स अब तकरीबन 2 सेकंड्स में कवर होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का, जो आपस में इंटर रिलेशन है वो इस तरह है कि अगर डिस्टेंस वेरी कर रहा है कॉन्स्टेंटली तो वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रहेगी, एक्सेलरेशन 0। वेलोसिटी वेरी कर रही है यूनिफॉर्मली तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी, और जो डिस्टेंस होगा वो यूनिफॉर्मली वेरी नहीं करेगा बल्कि एब्रप्टली वेरी करेगा, ड्रामेटिक वेरी करेगा, सेकेंड ऑर्डर में वेरी करेगा। तो आपका जो
अब मैं आ जाता हूँ मैथमेटिकल डेफिनेशन पे, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट कवर कर लिया। डिस्टेंस हो गया कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल 100 मीटर। वेलोसिटी बराबर हो गई जी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के, ये कोई स्पेसिफिक इंटरवल पे हम बात कर लेंगे। और एक्सेलरेशन हो गई डेल्टा वी बाय डेल्टा टी के। मजीद किसी भी हवाले से आपका कोई भी कंसर्न हो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के हवाले से, ज़रूर कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस हर्फ से रब्ता करें। थैंक्स फॉर जानिंग।